नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट रहा सफल, अब ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में किया गया शिफ्ट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू यादव का ऑपरेशन किया गया। राजद सुप्रीमो का पूरा परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन की सफलता और उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा ऑपरेशन के सफल होने की जानकारी दी। इसके पहले लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने छोटी बहन रोहिणी आचार्य की सफलतापूर्वक सर्जरी की जानकारी दी थी। मीसा भारती ने ट्वीट कर बताया था कि छोटी बहन रोहिणी का डोनर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, वह पूरी तरह से स्वस्थ है और अभी आईसीयू में है और अभी पापा का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिहार के पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। सभी बेसब्री से ऑपरेशन के कामयाब होने का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिहार के पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। सभी बेसब्री से ऑपरेशन के कामयाब होने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि रविवार को ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती किया गया था। रोहिणी ने इसकी तस्वीर भी शेयर की थी। लालू यादव को अस्पताल में पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। रोहिणी की किडनी अभी 90-95% तक काम कर रही है। वहीं लालू प्रसाद की दोनों किडनी 28% ही काम कर रही है। ट्रांसप्लांट के बाद ये लगभग 70% काम करने लगेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।